प्यारी साथियों और देवियों उपस्थित आदरणीय सभी किसान भाइयों, आज हम जरा एक मोबाइल में भी बैठे बैठे दो घंटे से हम देख रहा था, इसमें मोदी जी 22 नवंबर 2013 को बोल रहे थे भाषण, कह रहे थे भाइयों महंगाई है कि नहीं, महंगाई चरम सीमा पे है। हमारे प्रधानमंत्री भाई मनमोहन सिंह जी इतने अपने महंगाई के बारे में, इनके मुंह से मां शब्द नहीं निकला महंगाई के बारे में। अब आप बोलो सोचो, मोदी जी लगातार 2-3 वर्षों से संसद से लेकर सड़क तक आज तक इस व्यक्ति का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुंह खुलाया क्या? उसने अपने पर सिलवा के रखा है महंगाई के मामले में, और भाषण दे रहा था 22 नवंबर 2013 को। महिलाएं बच्चे रात को भूख से सोते हैं, माँ अपने बच्चों की आंसुओं से पेट भर लेती है। इस तरह का भारत का प्रधानमंत्री मधो वर्तमान भाषण आज भी है। हम पूछना चाहते हैं कि आप लोग आजादी खतरे में है, जब भैया जी ने बता दिया, हमारे नेता बताएंगे। जे आगे जो आखिरी चुनाव है मोदी हिटलर के पद चिन्हों पर वाला प्रधानमंत्री है, आप और उसका कहना है लगातार झूठ बोलो। हिटलर का प्रचार मंत्री था, उसका नाम था गोवेल्स, उसका कहना था कि एक बार या 1000 बार वही बात रिपीट करोगे तो सच हो जाती है। जे उनके पद हिटलर के पद चिन्हों पर चलने वाले प्रधानमंत्री तानाशाह नरेंद्र मोदी जी उनके सिद्धांतों का अमल कर रहे हैं। ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, देर हो गई, एक ही बात करके अपनी बात समाप्त करेंगे। केवल आपसे जो पूछना चाहते हैं, आज इतने लोग बैठे हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी 2014 के पहले, इस देश के कितने लोग टैक्स देते थे? उस समय 10% से लेकर 12%, 100 में से 10 या 12 इनकम टैक्स देते थे। सब टैक्स इसी पे नहीं, आज इतने लोग बैठे हैं इस देश में, एक व्यक्ति ऐसा बता दो 140 करोड़ की आबादी में जिससे मोदी ने टैक्स वसूल न कर रहे हो। जी आज तो भिखारी जो सड़क पे भीख मांगता है वो भी आज जीएसटी के टैक्स से नहीं बचा। अगर वो खाना खाने जाए होटल में तो 12 रुपया टैक्स, आप मोबाइल चला रहे हो आपका बिल आ जाए तो उसमें टैक्स 18%, बिजली के बिल में सड़क, आप ग्राम पंचायत के सरपंच प्रधानमंत्री आवास बनाते तो उसमें जीएसटी, हर जगह आप जीएसटी के नाम पर, कपड़े पे, खाने पे, गेहूं पे, दाल पे, हर चीज में टैक्स है। अब इतना पैसा, जब उस समय आ रहा था मनमोहन सिंह जी के टाइम पे, उस समय सरकार पर जो कर्जा था 2014 में भारत सरकार पर विदेशी कर्जा, वो था करीब 40 लाख करोड़ के आसपास, और आज जब पूरा खजाना भर रहा है, हर आदमी टैक्स दे रहा है, तो आज भी मोदी ने अपने कार्यकाल में 146 लाख करोड़ का कर्जा इस मुल्क पर लाद दिया। अब आप बताओ कहाँ जा रहा है ये पैसा? जब आप सबको लूटा जा रहा है तो पैसा कहाँ जा रहा है? पूरे देश में आप बैठे हो, किसान, मजदूर, नौजवान, पढ़ने लिखने वाले बच्चे, इन सब पर अगर पूरे देश में करीब 48 करोड़ से ज्यादा कर्जदार है, खेती किसानी पढ़ने वाले लड़के, छोटे छोटे दुकानदार, गाड़ी मोबाइल जो भी खरीदना, मकान बनाना, तो कर्जा उन पर 48 करोड़ आदमियों पर आज देश का कर्जा है करीब 1,96,000 करोड़।
मोदी के खजाने में आप लोगों का कर्जा माफ करने लगे, खजाना दिवाला निकल चुका। लेकिन किसके? केवल 90 के आसपास पूंजीपति हैं। आप लोग पढ़े लिखे हो, 2022-23 का बटन दबाना, हिंदुस्तान का बजट जो मोदी ने लेखा जोखा पेश करते हर साल, उसमें देख लेना। बटन दबाओगे 2022 बजट, तो मोदी ने स्वयं, उनकी वित्त मंत्री सीतारमण जी है जी, निर्मला जी, उन्होंने लिखा है कि 12.5 लाख करोड़ रुपए बड़े बड़े पूंजीपतियों का, जो 100 से भी कम संख्या है, उनको माफ कर दिया। जे आपका लूटा हुआ पैसा, जो हमारे नेता राहुल गांधी जगह बोलते हैं कि कहाँ जा रहा है, पूंजीपतियों पर जा रहा है, मुझे क्यों जा रहा है, ये एक साजिश है भारतीय जनता पार्टी की। हिटलर का कहना था कि लंबे समय तक राज करना है तो जनता को कमजोर रखो, इनकी जेबें खाली कर दो, ये केवल अपना पेट भरने तक सीमित रहे, बच्चे पढ़ाने लिखाने तक, बच्चों की शादी करने तक आगे सोच ही नहीं पाए। सरकार कहाँ कहाँ लूट कर रही है इस बात को समझ ना पाए। अब सब बनैया जी और हमारे नेता बनाएंगे। आखिरी चुनाव है, अभी निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री, उनके पति ने कह दिया अब कि हमारी पत्नी को हटा दो, हमें जेल में डाल दो सर, लेकिन देश के प्रति गद्दारी नहीं करेंगे ये। अगर इस बार मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया तो इस देश में चुनाव नहीं होंगे, न सरपंच बनेंगे, न जनपद सदस्य, कोई दिखाई नहीं देगा। केवल तानाशाह रूस और चीन जैसा एक आदमी शासन करेगा। आप सब लोग गुलामी में जीने का काम करेंगे। अब जो सोच लो, हमें आजादी से बात करना है, हमें अपनी संपत्ति की रक्षा करना है, हमें देश में इच्छा अनुसार कहीं भी जाना आना, धर्म का पालन करना है, तो कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रत्याशी फूल सिंह भदिया का साथ दो। और जब भी कहना चाहता हूँ, अब तक आपने लगा 35 साल से गूंगे सांसद चुने, गूंगे, अगर आपको मुंह खोलने वाला सांसद चाहिए जो भिंड का नाम रोशन करे, लड़ाई लड़े, तो फूल सिंह भदिया का सहयोग करो। और आप अंतिम बात हमारे आपकी घरेलू ये बताओ यार, आप सबसे पूछा है कि हर आप लगातार घर में अगर बैगन की सब्जी बनवाओ तो 8-10-15 दिन 10 दिन खाने के बाद फिर टेस्ट बदलते हो कि नहीं, बता बदलते हो कि नहीं, लगातार 6 सालों से वही खा रहे हैं। तो भैया 35 साल से भाजपा को ठप्पा ठप फोड़ रहे हो, तो अब टेस्ट बदलोगे कि भाई चलता रहेगा, बदलोगे टैक्स से नहीं, तब ईमानदारी से है, बेईमानी लोग करें तो हाथ ना उठाए, करोगे हाथ उठाओ, भैया जी के साथ दोगे, कांग्रेस पार्टी के साथ दोगे, जीतू पटवारी के साथ दोगे। आप लोगों को धन्यवाद, जय हिंद।